अपने लास्ट सेशन में हमने पार्टीशंस बनाने के ऑप्शन को देखा था। तो एक तो लास्ट में इसकी आपने लैब करनी है, लेकिन पार्टीशन से रिलेटेड ही जो है वो एक और चैप्टर है जो मैं रैंडमली मूव कर रहा हूँ जिसके ऊपर, और वो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का। हमने ये बात की थी कि लिनक्स में पार्टीशन बनाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। हमारे पास ऑप्शन है लिनक्स में कि आप जो है वो स्टैंडर्ड पार्टीशन बना सकते हैं। फिर हमने कहा कि आपके पास ऑप्शन है कि आप LVM पार्टीशन बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप रेड बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप DT RFS बना सकते हैं। ये सब पार्टीशन की टाइप है, पार्टीशन टाइप्स। ये हमने जो है बात की थी। एक और हमने डिस्कशन किया था जिसमें हमने कहा था कि एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं पार्टीशन टेबल की टाइप्स। पार्टीशन टेबल की टाइप्स, तो पार्टीशन टेबल की टाइप्स जो है हमने दो बताई थी। एक बताई थी MVR, या उसको हम MS-DOS भी कहते हैं, और दूसरा हमने बताया था GPT। तो अगर मैं आपको दोबारा ये बताऊं कि मेरे पास ये एक मशीन है, मैं डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो स्टैंडर्ड पार्टीशन का ऑप्शन है वो रिवाइज कर रहा हूं ताकि फिर आप उसकी लास्ट में लैब करनी होगी तो आप उसको इजीली जो है वो कर सकें। तो ये मेरे पास एक मशीन है, अगर मैं इस मशीन में देखना चाहता हूं, ये मैंने इंस्टॉल नहीं की, ये इंस्टॉल मैंने नहीं की, बल्कि मैं अब आया हूं इस मशीन को एडमिनिस्ट्रेट करने, इसको मैनेज करने, और मैनेज करने से पहले मैंने एक चीज जो है वो वेरीफाई की। अगर ये वर्चुअल मशीन है तो मैंने वेरीफाई की, राइट माउस क्लिक करके सेटिंग्स में जा रहा हूं, और सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन है, ऑप्शंस के अंदर एडवांस। यहां पे मैं क्या देखने आया हूं, यहां पे मैं ये देखने आया हूं कि मशीन का बूट मोड क्या है। बूट मोड, मशीन के बूट मोड दो हो सकते हैं, एक हो सकता है बायोस, या उसको हम लेगेसी भी बोलते हैं, ओल्ड सिस्टम है जो, और दूसरा जो है वो हमने कहा था कि UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो अगर आप अपनी मशीन की पावर ऑन करते हैं तो आपके पास उस मशीन को पावर ऑन करने के लिए या बूट करने के दो मोड्स हैं, एक ये वाला बायोस वाला मोड है और एक UEFI वाला मोड है। बायोस वाला मोड जो है वो अब लेगेसी हो गया, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। UEFI वाला मोड अभी भी UEFI वाला मोड अब चल रहा है, लेकिन आप अपनी मशीन को बायोस या लेगेसी वाले मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिजिकल मशीन स्टार्ट करेंगे तो आपको बायोस के सिस्टम के सेटअप में जाना पड़ेगा और वहां बताना पड़ेगा कि बायोस लेगेसी सिस्टम यूज करना है या UEFI। अगर वर्चुअल मशीन में होंगे तो वर्चुअल मशीन में आपको जस्ट यहाँ पे आके चेक लगाना पड़ेगा, जैसे इस मशीन में लगा हुआ है, कोई भी वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन हो, जैसे इसमें लगा हुआ है बूट विथ EFI इंस्टेड ऑफ बायोस, बूट विथ EFI। अच्छा, ये बताने का जो मकसद है वो उससे अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके सिस्टम में आपकी मशीन बूट कर रही है UEFI से, तो फिर 100% आपका जो हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन टेबल टाइप होगी वो क्या होगी, वो होगी GPT। क्या टाइप होगी वो? GPT। मैंने अपनी मशीन को UEFI से बूट किया है, मेरी मशीन के अंदर जो हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन की टेबल टाइप होगी वो क्या होगी, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूं।
इसको मैंने कैंसिल किया है और मैं ओपन टर्मिनल में गया। यहां पे कमांड लिखी है एल एस सिस्कजी, कितनी हार्ड डिस्क है मेरे सिस्टम में। उसने कहा आपके सिस्टम में एक ही डिस्क है जिसका नाम है डिवाइस एस डी ए। अगर मैं इस डिवाइस एस डी ए के बारे में जानना चाहता हूं, माइनस एल करके मैंने उसके बारे में जानना चाहता हूं कि उसमें कौन सा पार्टीशन टेबल है, तो आपको इसमें यह नजर आएगा कि इसमें जो पार्टीशन टेबल है वो कौन सा है, जीपीडी। तो पहली बात मेरी क्या थी, मेरी पहली बात ये थी कि आपके सिस्टम में बूट मोड अगर यूईएफआई हुआ तो आपके पास जो पार्टीशन टेबल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा जीपीडी। अच्छा, और अब मैं एक और तीसरी बात कर रहा हूं। अब आपका पार्टीशन टेबल की टाइप है जीपीडी। अब आप ये देखना चाहते हो, क्योंकि ये मशीन आपने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, अब आप ये देखना चाहते हो कि इसके अंदर पार्टीशन की टाइप कौन सी है, क्या स्टैंडर्ड पार्टीशन बने हुए हैं, क्या एलवीएम पार्टीशन बने हुए हैं, क्या रेड पार्टीशन बने हुए हैं, क्या बीटीआरएफएस बने हुए हैं, पार्टीशन की टाइप कौन सी है। तो मैं अगर इस मशीन के ऊपर एलएसबीएलके करूं, एलएसबीएलके, तो मुझे इस मशीन पे ये पता चला कि इसके अंदर जो पार्टीशन की टाइप है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पार्टीशन है। जैसे यहां पे जीपीडी है, बूट का मोड यूएफआई था, पार्टीशन का टेबल जो है वो टेबल की टाइप जो है वो जीपीडी है, और पार्टीशन जो है वो कौन से, स्टैंडर्ड। ये इंफॉर्मेशन मुझे इस मशीन से मिली है। अगर मैं इसमें कोई नई मशीन, नई हार्ड डिस्क ऐड करूंगा तो किस तरह ऐड होगी वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट समझाने की कोशिश की है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको बूट के मोड का पता हो। वर्चुअल मशीन में आप यहां से देख सकते हैं, सेटिंग में जाके, ऑप्शन में जाके, और फिजिकल मशीन में आप बायोस के सिस्टम, बायोस के सेटअप में जाके जो है वो देख सकते हैं कि आपकी मशीन बूट कर रही है यूईएफआई से या बायोस से। हो सकता है आपके जहन में सवाल आए कि जो बायोस वाला सिस्टम था या लेगेसी सिस्टम से हम बूट करते थे और यूईएफआई में क्या मेन डिफरेंस है, तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा। तो उसके दो जवाब है, एक तो ये यूईएफआई जो है वो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सिक्योर है, यूईएफआई सिक्योर है एज कम्पेयर टू बायोस या लेगेसी। और दूसरी बात ये है कि ये लार्ज डिस्किट्स को सपोर्ट करता है, लार्ज डिस्क सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर बायोस या लेगेसी है तो वो मैक्सिमम 2 टेराबाइट की डिस्क सपोर्ट करेगी, अगर यूईएफआई है तो वो 2 टेराबाइट हो सकता है। मैं आपको 64 टेराबाइट बता रहा हूँ, आप गूगल करें जाके तो आपको बताए कि नहीं, 64 टेराबाइट तो तैयब साहब की नॉलेज पुरानी हो गई, अब तो 128 टेराबाइट भी सपोर्ट करता है, या अब तो 512 टेराबाइट सपोर्ट करता है। तो बायोस में और यूईएफआई के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये सिक्योर है यूईएफआई, और ये लार्ज डिस्क को सपोर्ट करता है। तो हम जाहिर है हम सिक्योर वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, एडवांस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लार्ज डिस्क को सपोर्ट करने वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े। आपके जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जीपीडी में और एमबीआर में या एमएस डॉस में क्या डिफरेंस है, हमें क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जिस तरह यूईएफआई सिक्योर है, जिस तरह यूईएफआई के अंदर लार्ज डिस्क की सपोर्ट का ऑप्शन है, इस तरह एमबीआर, एमएस डॉस और जीपीडी के अंदर भी इसी तरह के डिफरेंसेस हैं। जीपीडी जो है वो 128 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है, 128, जबकि एमबीआर जो है सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है। यानी कि आप अगर पार्टीशन बनाना चाहें तो एमबीआर में सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं और जीपीडी 128 प्राइमरी पार्टीशन की बात करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बताने वाली है वो ये कि एमबीआर जो है वो हार्ड डिस्क के, सिर्फ हार्ड डिस्क के 0 सेक्टर के ऊपर जो है वो स्टोर होता है, जबकि जीपीडी हार्ड डिस्क के 0 सेक्टर पे भी स्टोर हो सकता है, यानी कि पहले सेक्टर पे, हार्ड डिस्क के लास्ट सेक्टर पे भी स्टोर हो सकता है। जीपीडी जो है वो उसके आप उसका डेटा जो है वो आप अपनी फाइल में भी कॉपी कर सकते हैं बैकअप के तौर पर, लेकिन एमबीआर के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है जीपीटी में और एमबीआर में, तो आपके जवाब जो है वो क्या होगा? आपका जवाब ये होगा, मैं एमबीआर और जीपीटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जवाब ये होगा कि जीपीटी और एमबीआर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जीपीटी 128 पार्टीशन को, प्राइमरी पार्टीशन को सपोर्ट करता है, जबकि एमबीआर सिर्फ 4 पार्टीशन को, प्राइमरी पार्टीशन को सपोर्ट करता है। एक बात। दूसरी बात ये कि एमबीआर सिर्फ और सिर्फ डिस्क के जीरो सेक्टर के ऊपर स्टोर होता है और उसकी कोई और कॉपी कहीं नहीं बनती। अगर डिस्क का जीरो सेक्टर खराब हो जाए तो उस डिस्क को आप बूटेबल डिस्क के तौर पे यूज नहीं कर सकते, उसको आपको फिर डेटा डिस्क के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। जबकि एमबीआर जो है वो अपनी एक कॉपी सेंटर में, अपनी एक कॉपी स्टार्टिंग में रखता है जीरो सेक्टर पे, अपनी एक कॉपी जो है वो लास्ट में, जो लास्ट सेक्टर होता है उसको भी रखता है। और अगर आप चाहें तो एमबीआर को जो है वो, सॉरी जीपीटी को जो है वो आप अपनी, उसका बैकअप जो है वो अपनी फाइल में भी रख सकते हैं। हो सकता है आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि यार ये एमबीआर और जीपीटी जो जीरो सेक्टर में होता है तो ये क्या स्टोर करता है, क्या चीज होती है इसमें? तो लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बताई थी कि हार्ड डिस्क का जो जीरो सेक्टर होता है उसमें पार्टीशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपका जीरो सेक्टर करप्ट हो जाए और आपकी हार्ड डिस्क में डेटा भी रखा हुआ है, पार्टीशन भी रखा हुआ है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते उस डिस्क को। हार्ड डिस्क के अंदर जो जीरो सेक्टर है उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। ये मेरी हार्ड डिस्क है, यहाँ पे चाहे एमबीआर हो चाहे जीपीटी हो, लेकिन इसमें होगा क्या, क्या चीज स्टोर होगी? इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन होती है, एक पार्टीशन की इंफॉर्मेशन, कहाँ से पार्टीशन बना और कहाँ तक का पार्टीशन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन बूट लोडर। मैंने यहां पे लिखा है बूट लोडर की स्टेज वन, बूट लोडर की स्टेज वन ये इस एमबीआर या जीपीटी में होती है। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने सिस्टम का बूट मोड वेरीफाई कर लिया और जब मैंने अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशन के टेबल्स को भी देख लिया, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये बताऊं आपको कि मेरे सिस्टम में पार्टीशन कौन से बने हुए हैं। तो आप यहां पर देख रहे होंगे आपके सिस्टम में जो पार्टीशन बने हुए हैं वो पार्टीशन कौन से हैं, वो स्टैंडर्ड पार्टीशन है। स्टैंडर्ड पार्टीशन क्या होते हैं, एक सिंगल डिस्क होती है, उस डिस्क में पार्टीशन वन, पार्टीशन टू, पार्टीशन थ्री इस तरह से बनते हैं, स्टैंडर्ड पार्टीशन। मैंने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है एलवीएम। एलवीएम क्या होता है, स्टैंडर्ड पार्टीशन में और एलवीएम पार्टीशन के अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि एलवीएम पार्टीशन फ्लेक्सिबल होता है। किस तरह का फ्लेक्सिबल होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि उसमें अगर आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव जो है वो ऐड करना चाहें तो आप हार्ड ड्राइव फिजिकल ऐड करते रहें, वर्चुअल ऐड करते रहें और आप डिस्क का साइज जो है वो बढ़ाते रहें। ये कैसे पॉसिबल होगा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर आपको पता है एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रेड। जो रेड की टेक्नोलॉजी है उसमें भी आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं, लेकिन रिडंडेंसी के लिए। और एक और लास्ट में मैंने टेक्नोलॉजी का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है बीटीआरएफएस बटर एफ एस। ये लास्ट 10-12 ईयर से लिनक्स के साथ है लेकिन इतना प्रोडक्शन रेडी नहीं है, लोग इसको प्रोडक्शन में यूज नहीं करते, इसलिए जो है वो इसका नाम भी लोगों ने कम सुना है, बीटीआरएफएस। ठीक है जी, हमारे कोर्स के अंदर जो हमें करना है वो स्टैंडर्ड पार्टीशन है। एक चैप्टर स्टैंडर्ड पार्टीशन का है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, और एक चैप्टर है जो कि एलवीएम का है जिसको हम आज इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड पार्टीशन की का रिव्यू थोड़ा सा दे दूं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी स्टैंडर्ड पार्टीशन किया था, बनाया था, सेटअप किया था, तो अब उसको जरा दोबारा एक दफा देख लें। मेरे सिस्टम में कितनी हार्ड ड्राइव्स हैं, एक हार्ड ड्राइव थी, और उसमें कितने पार्टीशन हैं, उसमें 3 पार्टीशन हैं। तो मैं यहां पे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो ये मुझे बता रहा हो कि आपके पास कितना फ्री स्पेस है, कोई ऐसा सिस्टम यहां पे नहीं है या मुझे मालूम नहीं है।
मैं यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं कि भाई 20 GB की डिस्क है मेरी और 20 GB की डिस्क में कितने पार्टीशन बने हुए, तीन बने हुए, तीन, 1 2 3। तो इट मींस के अगर मैं इसको 10 GB का कंसीडर कर लूं, इसको 2 GB का कर लूं और इसको 500 MB का कर लूं, तो ये तकरीबन जो है वो अमाउंट बनती है 12.5 GB। अभी भी मेरे पास 7.5 GB का स्पेस फ्री है। एक चीज अगर आपको इसको ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, लिनक्स में कमांड होती है parted -l, ये भी आपको बता देगा कि आपके हार्ड डिस्क में कितना कितना स्पेस है, ये यहां से बता रहा है आपको। स्टार्ट कहां से हुआ था, एंड कहां पे हुआ, पहला पार्टीशन 512 का, दूसरा स्टार्ट कहां पे हुआ, एंड कहां पे हुआ, तकरीबन 999 MB का और 10.5 GB तक। और फिर कह रहा है तीसरा स्टार्ट यहां से हुआ और यहां पे एंड हुआ, तकरीबन 2000 MB का है। तो आपके डिस्क में, आपके पास जो टोटल डिस्क है उस डिस्क का साइज कितना है, उस डिस्क का साइज है 21.5 GB और 21.5 GB में से आपने 12.5 GB जो है वो यूज किया हुआ है और बाकी जो है वो इसमें रिमेनिंग स्पेस है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड पार्टीशन ही बनाना है तो आप स्टैंडर्ड पार्टीशन कैसे बनाएंगे, ये बात मैंने आपको बतानी है। तो सिंपल सी कमांड है, अगर आपके सिस्टम में, गौर कीजिएगा, अगर आपके सिस्टम में पार्टीशन टेबल GPT है, GPT, तो आप जो कमांड यूज करेंगे जो बेस्ट है उसका नाम है GDISC। अगर GPT है तो GPT के लिए रिकमेंडेड है GDISC इस्तेमाल करें। अगर यहाँ पे GDISC नहीं है बल्कि MS-DOS है, MS-DOS या MBR सिस्टम है, तो उसके लिए आप जो कमांड यूज करेंगे उसका नाम है FDISC GDISC। क्या डिफरेंस है FDISC में और GDISC में, मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन टेबल आपके पास लेगेसी है, पार्टीशन टेबल आपके पास MS-DOS है या MBR जिसको आप बोलते हैं वो है, तो आप जो है वो FDISC इस्तेमाल करेंगे, और अगर GPT सिस्टम है पार्टीशन टेबल में तो आप GDISC इस्तेमाल करेंगे। तो मैं भी GDISC को इस्तेमाल करते हुए इसमें एक पार्टीशन बना रहा हूं, कितने साइज का देखिएगा आप, उसने कहा कि GDISC तो आपने लिख दिया लेकिन आपको किस हार्ड ड्राइव का पार्टीशन सेटअप करना है, किस हार्ड ड्राइव पे पार्टीशन बनाने हैं, तो उसका नाम लिखें और नाम लिख के इंटर कर दें। तो मैंने उसको बताया कि DAV SDA1, ये वो डिस्क है जिसके अंदर मुझे पार्टीशनिंग करनी है, इंटर। उसने मुझे कहा कि अगर आपको नहीं मालूम कि पार्टीशन बनाने के लिए क्या कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखें, और क्वेश्चन मार्क जब आप लिखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर मुझे नया पार्टीशन क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन प्रेस करना पड़ेगा। मैंने एन प्रेस किया, जस्ट इंटर किया। उसने मुझे कहा कि आपके सिस्टम में जो पार्टीशन का नंबर है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 128 तक हो सकते हैं। जो बात मैं कर रहा था कि GPT में 128 का ऑप्शन होता है, वो यहाँ पे वो शो भी कर रहा है। तो मैंने कहा एक फोर पार्टीशन नंबर 4 बनाओ, ये उसने बना दिया। कितने साइज का बनाओ, स्टार्टिंग फर्स्ट सेक्टर क्या होगा, फर्स्ट सेक्टर, तो फर्स्ट सेक्टर आम तौर पे हम डिफॉल्ट इंटर कर देते हैं, यानी कि जितना बन चुका है उसके बाद से फर्स्ट सेक्टर ले लो। उसके बाद उसने कहा लास्ट सेक्टर क्या होगा, तो मैंने लास्ट सेक्टर में कहा +2G, 2 GB का होना चाहिए जो पार्टीशन में भी बना रहा हूं, और मैंने उस पर इंटर कर दिया। उसने मुझे कहा कि जो करंट फाइल सिस्टम आपने बनाया है वो लिनक्स का फाइल सिस्टम है, अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंजिंग कर दें, अदरवाइज जो है वो, चेंजिंग से क्या मुराद है, लिनक्स हमें ये अलाउ करता है, मैं एल प्रेस कर रहा हूँ, एल स्मॉल कर दें या कैपिटल कर दें, एल तो आपको जो चीज उसने शो करनी है वो आपको शो कर देगा। लिनक्स ये कहता है कि अगर तुम्हें पार्टीशन बनाना है,
लिनक्स की मशीन पे है, लेकिन वो पार्टीशन बनाना है सोलारिस का, जो अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ये कहता है कि अगर तुम्हें पार्टीशन बनाना है, नॉर्मल पार्टीशन लिनक्स का होता है, लेकिन अगर तुम्हें पार्टीशन बनाना है NTFS, तो वो आपको ये भी अलाउ करता है कि आप NTFS पार्टीशन बना सको। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट रिजर्व के नाम से एक पार्टीशन होता है, तो ये सारे ऑप्शन आपको वो दे रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई पार्टीशन बनाना है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख दें तो आपका काम हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मैंने इसको चेंज नहीं किया, मुझे मालूम है कि मेरा जो पार्टीशन है वो लिनक्स का ही पार्टीशन है, मैंने जस्ट इंटर प्रेस कर दिया। तो जब इंटर प्रेस किया, अगेन इंटर प्रेस किया, तो वो पार्टीशन जो है वो लिनक्स ही का रहा। अगर आप पी प्रेस करके देखना चाहेंगे तो पी से जो है वो क्या होता है, पार्टीशन की टाइप बताता है। तो लास्ट में अगर आप देखें तो एक पार्टीशन नंबर 4 बना है 2GB का, जिसका फाइल सिस्टम लिनक्स का है। मैंने अब उसको सेव करना है, तो सेव करके मैं बाहर आ गया। कैसे, अगर आप W प्रेस करेंगे तो W का मतलब होता है कि सेव एंड एग्जिट, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। मैंने राइट कर दिया, उसने कहा कि डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने कहा यस, इंटर। ये पार्टीशन नंबर 4 मेरी डिस्क के ऊपर बन गया है। अगर आप देखने के लिए जाएंगे LSDL के, तो आपको ये पार्टीशन नंबर 4 नजर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। तो लिनक्स में दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपने पार्टीशन में या डिस्क में तो चेंज कर दिया, लेकिन जो रनिंग कर्नल है उसको अभी नहीं पता कि भाई क्या चेंज हुआ है, पार्टीशन क्या चेंज हो गया है, वो उसको नहीं पता। तो चूंकि उसको वो नहीं पता, इसलिए आपको पार्ट प्रॉप की कमांड चलाना पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्ट प्रॉप की कमांड क्या करती है, तो आपने मैन लिखा, इंटर। लिनक्स अपने लोगों से जो लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं उनसे ये डिमांड करता है कि उनको हर चीज का पता होना चाहिए जो वो कमांड चलाने जा रहे हैं। लिनक्स ये GUI वालों से एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन जो CLI पे काम कर रहे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कमांड चलाने से पहले जानते हों कि जो मैं कमांड चला रहा हूँ, ये मैं सर के कहने पे नहीं चला रहा, ये मैं बॉस के कहने पे नहीं चला रहा, बल्कि मुझे मालूम है कि कमांड क्या काम करती है। इन्फॉर्म द OS ऑफ पार्टीशन टेबल चेंजेस। OS क्या है, OS तो बेस मेन जो है वो कर्नल है, तो ये कर्नल को बता रहा होता है कि कर्नल यहाँ देख लें, पार्ट प्रॉप इज अ प्रोग्राम दैट इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल ऑफ पार्टीशन टेबल चेंजेस। ये मैंने कहा ठीक है भाई, और जब मैंने ये कमांड चला दी और मैं LSBLK करूंगा तो मेरे पास क्या ये पार्टीशन अभी भी आ गया आया। अगेन देखें, पार्ट प्रॉप चलाता हूं, पार्ट प्रॉप चलाने के बाद LSBLK करता हूं, पहले पार्ट प्रॉप नहीं चलाई थी क्या, मैन चलाई थी पहले, पार्ट प्रॉप का मैन किया था, तो ये पार्ट प्रॉप चल गई। उसने कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया कि एक नया पार्टीशन भी डिस्क पे बना है, उसको भी अपने पास अपडेट कर लो। इस पार्टीशन के अंदर, इस पार्टीशन को बनाने के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा काम है जो हमें करना है पार्टीशन बनाने के बाद, वो होता है डिस्क को फॉर्मेट करना। डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ फाइल सिस्टम है, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, ये मुख्तलिफ फाइल सिस्टम है, BTRFS, ये फाइल सिस्टम है जो आप, जिन फाइल सिस्टम से आप अपनी डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस डिस्क को फॉर्मेट करना है तो मैं कौन सा फाइल सिस्टम यूज करूं, मैंने कहा मुझे इस वक्त जो लेटेस्ट फाइल सिस्टम है वो ये है, mkfs.xfs डिवाइस SDA4, और मैंने इससे इसको फॉर्मेट कर दिया। ये डिस्क मेरी फॉर्मेट भी हो गई। जब भी कोई डिस्क फॉर्मेट हो जाती है और उसके फाइल सिस्टम को, या फॉर्मेट नहीं होती, उसके फाइल सिस्टम को आपने वेरीफाई करना होता है, तो आपके पास ये कमांड होती है फाइल माइनस एस। इससे आपको ये पता चलता है कि इस डिस्क के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम मौजूद है। तो ये मुझे बता रहा है कि XFS फाइल सिस्टम है। यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो क्या है, आपकी मर्जी है। इन्होंने कहा कि MKFS-T नहीं लगेगा, आपकी मर्जी है। अगर आप MKFS में
mkfs.xfs कर दें या आप mkfs-t.xfs कर दें तो बात जो है वो एक ही है, सेम काम टास्क परफॉर्म करता है ये। अच्छा, जो बात मैं क्लियर है, जो बात मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं वो जरा देखिएगा। मैंने अपनी इस हार्ड डिस्क पे XFS रखा और साथ में ये भी कह दिया कि यार ये जो फाइल सिस्टम है ना, ये लेटेस्ट फाइल सिस्टम है। आपके माइंड में ये बात चली गई, यार सर ने कहा ये लेटेस्ट है, इट मींस कि ये बेहतर फाइल सिस्टम होगा। ठीक है, आपके जहन में ये बात आ गई और आप अब उसी को फॉलो करेंगे। चूंकि आमतौर पर होता यही है कि हम जो है वो इसी तरह चल रहे होते हैं कि भाई अब्बू ने कहा है, मौली साहब ने कहा है, सर ने कहा है, तो हमारा जो है ना वो इसी तरह मामला चलते हैं। पीर साहब ने कहा है, हमारी जो है वो आमतौर पे हम लोग खुद तो सोचते नहीं है कि यार। तो मैं आपको जो चीज अभी दिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, वो एक चार्ट है जिस चार्ट में शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन उसका जो मकसद होगा वो क्या होगा। उसका मकसद ये होगा कि मैं अपने इस फाइल सिस्टम, जिस पार्टीशन के ऊपर ये XFS फाइल सिस्टम मैंने बनाया है, तो मुझे ये बात मालूम होना चाहिए, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस पार्टीशन में मैंने किस टाइप का डाटा रखना है और उस डाटा के अंदर कितने साइज की फाइलें होंगी। लिनक्स ने इतने सारे जो फाइल सिस्टम दिए हैं वो सिर्फ इसलिए थोड़ी दिए हैं कि EXT3 भी दे दिया और 4 भी दे दिया और XFS भी दे दिया और BTRFS भी दे दिया और इसके अलावा भी 2-4-5 और हैं जो कि हमने हमारी इस मशीन में इंस्टॉल्ड नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि अगर मुझे डीवीडी की शॉप ओपन करनी है, डीवीडी समझते हो ना, डीवीडी, मैं डीवीडी की शॉप ओपन करना चाह रहा हूं, तो मैंने एक शॉप रेंट पे ली। अब मैं उस शॉप पे कैसे रैक सिस्टम कैसे लगाऊंगा, पता है ना आपको, बताने की जरूरत तो नहीं है। वो रैक सिस्टम कैसा होगा डीवीडीज को दीवार पे लगाने के लिए, रखने के लिए, वो आपको मालूम है। और वही अगर शॉप जो है वो नहीं चली और उसके बाद जो है वो उसमें आ जाता है जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जिसने टीवी सेल करने हैं, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करने हैं, तो वो क्या करेगा, वो उस रैक में काम चला सकता है अपना, उन शेल्फ के अंदर उसका गुजारा होगा, नहीं होगा। फिर अगेन एक और बात कि वो भी बेचारा दुकान में साया था, वो भी बेचारा भाग गया। अब आ गया तीसरा, कौन आ गया भाई, ग्रोसरी आइटम वाला, परचून जिसको बोलते हैं आप, सही है ना। अब वो आ गया, उसने बोला भाई ये तो चलता ही चलता है, तो क्या अब वो उन शेल्फ को, जो बड़े बड़े शेल्फ हैं जिनमें टीवी रखा जाता था, क्या वो उन शेल्फ को जो है वो अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। तो ये सबसे लिनक्स को हम कहते हैं ना स्टेबल है, लिनक्स स्टेबल ऐसे नहीं है। लिनक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी मशीन पे क्या सेटअप होने जा रहा है, क्या इंस्टॉल करने जा रहा हूं और उसके लिए पार्टीशन की रिकमेंडेशन क्या है। अगर मैं इस पर डेटाबेस सेटअप करने जा रहा हूं, DNS सेटअप करने जा रहा हूं, वेब सर्वर सेटअप करने जा रहा हूं, तो उसके पार्टीशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं इसके ऊपर अगर SAP सेटअप करने जा रहा हूं तो मैं SAP के डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, SAP क्या कहता है, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं उस हिसाब से पार्टीशन बनाऊंगा। मैं ये नहीं कि सर ने क्लास में जो कहा था मैंने उसी को फॉलो कर दिया। फिर एक बात, फिर दूसरी बात कि जब पार्टीशन को फॉर्मेट करने का टाइम आएगा उस वक्त भी मैं यही सोचूंगा कि SAP क्या कहता है, Oracle क्या कहता है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। वहां मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे अब्बू को 25 साल Oracle डेटाबेस चलाने का एक्सपीरियंस है तो अब्बू जो कह रहे हैं वही करना है, या वेंडर जो कह रहा है वो करना है, या सर ने जो कहा है वो करना है। तो अभी मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं, क्या हो गया मेरी पॉकेट ड्राइव क्यों चल रही,
फाइल का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कुछ कुछ आने लगा है करीब। अरे यार तो सी है यार, ट्रेनिंग का फोल्डर नजर आ रहा है कहीं पे? कहाँ पर है? मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, क्या जरा गौर कीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आप EXT3 फाइल सिस्टम यूज करें। कहाँ पे? ये एक स्टैंडर्ड लिनक्स फाइल सिस्टम है फॉर मेनी इयर्स, बेस्ट चॉइस फॉर सुपर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। EXT3 के बारे में वो ये कह रहा है कि बेस्ट चॉइस फॉर सुपर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, जबकि EXT4 उसके बाद वाला आया है और उसके बारे में ये कह रहा है वेयर सुपर स्टैंडर्ड इज नॉट नेसेसरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि EXT3 लिनक्स का एक फाइल सिस्टम है और वो फाइल सिस्टम काफी अरसे से लिनक्स में है और इतना इतना स्टेबल हो गया है, उसमें जितने भी एरर आ सकते थे, जो मसले आ सकते थे, जिस तरह के सिनारियों में उसकी टेस्टिंग हो सकती थी, जिस तरह के प्रेशर में उसकी टेस्टिंग, स्ट्रेस में उसकी टेस्टिंग हो सकती थी, वो ये सारी टेस्टिंग होने के बाद अब ये जो है वो अगर आप यूज़ करोगे तो ये बग फ्री है। मैं नहीं कहता कोई चीज़ बग फ्री हो, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही है, बेस्ट चॉइस फॉर सुपर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। तो मैं अभी गौर कीजिएगा मेरी बात को, मैं अगर अपने हार्ड डिस्क का फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क का फाइल सिस्टम रखना चाह रहा हूं तो मैं कौन सा रखूंगा? EXT3 रखूंगा या EXT4 रखूंगा? बेस्ट चॉइस फॉर न्यू इंस्टॉलेशन वेयर सुपर स्टैंडर्ड इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है, हो सकता है इससे वो नॉलेज ना मिले कि जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये दिखाने का कि भाई अब यहाँ देखें जरा, आप ये कहते हैं कि एक फाइल सिस्टम है जिसका नाम है EXT4, जिसके अंदर जर्नलिंग होती है। जर्नलिंग क्या होती है मैं भी आपको समझा रहा हूँ, और ये एक और फाइल सिस्टम है XFS, इसमें भी जर्नलिंग होती है, लेकिन जर्नलिंग किस किस चीज की होती है? उसने कहा यस, इसमें जर्नलिंग होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसके आगे एक चीज लिखी हुई है, मेटा डेटा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि XFS फाइल सिस्टम, EXT4 फाइल सिस्टम सिर्फ उस डेटा की, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसकी जर्नलिंग करता है, लेकिन जो डेटा का डेटा होता है, मिसाल के तौर पे एक फाइल है, उसको तो इंडेक्स में डाल दिया, लेकिन उस फाइल के साथ जो उसका ऑनर है, उसकी ग्रुप मेंबरशिप है, उसकी परमिशंस हैं, उसका जो डेटा अबाउट डेटा है, जिसको आप मेटा डेटा बोलते हो, उसकी कोई जर्नलिंग नहीं होती। तो XFS ने कहा कि हम उसकी भी जर्नलिंग करते हैं, उसकी भी हम जर्नलिंग करते हैं, XFS ने ये बता दिया आपको। तो बताने का मकसद ये कि अब अगर आप इसमें और इसमें देखेंगे तो क्या बेस्ट है, मैं उसकी एक एग्जांपल आपको जर्नल दे देता हूँ, शायद उससे मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। लेकिन आपने जब भी कभी कोई काम करना है, किसी जब भी कभी प्रोडक्शन के लिए कोई काम करना है, तो उसमें किसी की बातों को नहीं सुनना आपने, बल्कि आपने अपनी थोड़ी सी R&D करनी है, ताकि आप बेस्ट जो है ना वो पार्टीशन सेटअप कर सकें और बेस्ट जो है वो
फाइल सिस्टम सेटअप कर सकें अपनी डिस्क के अंदर। अच्छा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेटा की जनरलिंग और मेटा डेटा की जनरलिंग में क्या फ़र्क है। बाद दफ़ा ऐसा होता है आप किसी इदारे में जाएं, उस इदारे के गेट के ऊपर वो आपकी चेकिंग, वो आपसे पूछते हैं कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, और रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। वो एक एंट्री है, वो एक नॉर्मल आपकी एंट्री हो गई, और आप चले गए। जब आप वापस जा रहे होते हैं तो वो उसको क्रॉस कर देते हैं कि जी जो है वो ये काम हो गया, ये वापस चला गया। अब कुछ इदारों में ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई जब आप आ रहे हो तो बताओ कौन सा लैपटॉप है बैग में, कौन सी पॉकेट ड्राइव है बैग में, क्या क्या चीज़ें बैग में है। वो आपको भी, आपको तो लिखते ही लिखते हैं आपके बारे में, किस कंपनी से आए हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो आपकी जो बैग के अंदर होता है उसको भी वहाँ पे मेंशन करते हैं यार क्या क्या चीज़ें लेके आया था और क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब अगर रिकवरी करनी हो, रिकवरी तो रिकवरी करने में वो ज़्यादा आसान है जो कि जिसके अंदर XFS फाइल सिस्टम है, यानी कि उसका डाटा भी मौजूद है और डाटा भी मौजूद है। अगर आपके रिकवरी टूल ने डाटा तो रिकवर कर लिया लेकिन डाटा रिकवर कर नहीं पा रहा, परमिशन की जगह पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, इसका ऑनर कौन था उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, तो आप क्या करोगे ऐसे डेटा का कि जिसका आपको ये पता ना हो कि यार ये डेटा किसकी ऑनरशिप में था और किसके जो है वो क्या परमिशन थी, इसका क्या जो है वो क्या एट्रीब्यूट सेट हुए थे इसके ऊपर। तो XFS इस लिहाज से जो है वो बेहतर है, लेकिन अगेन मैंने बात आपको सिर्फ ये इतनी सारी इसलिए की है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी किसी डिस्क को फॉर्मेट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर मैंने क्या इंस्टॉल करना है और उसके लिए क्या बेस्ट है। हर एप्लीकेशन अपनी फाइल सिस्टम की सपोर्ट, लिनक्स बेस्ड हर एप्लीकेशन अपनी फाइल सिस्टम की सपोर्ट जो है वो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और वो बताती है, ऐसे भी बताएगा कि मुझे कौन सा फाइल सिस्टम चाहिए, कौन से वर्जन के लिए कौन सा फाइल सिस्टम बेस्ट है, हम अपनी लैब में कौन सा फाइल सिस्टम टेस्ट एंड वेरीफाई कर चुके हैं और आप उसी फाइल सिस्टम के साथ जाएं। बहरहाल तो देखे, इन्होंने दो बातें पूछी हैं जो मैं समझाऊं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी डिस्क है उसके पार्टीशन टेबल के ऊपर अटैक होता है और पार्टीशन टेबल जो है वो मेरा करप्ट हो जाता है। पार्टीशन टेबल वो जगह है जहां पे पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन बनी हुई रखी हुई होती है कि पार्टीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है और पार्टीशन कहां पे एंड हो रहा है। अगर वो इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाए तो आपको पार्टीशन से डेटा निकालना, बल्कि आपको पार्टीशन नज़र ही नहीं आ रहे होते, ठीक है एक चीज। तो अगर पार्टीशन टेबल की बात करें तो पार्टीशन टेबल का XFS के जर्नलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, XFS वहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर पार्टीशन टेबल की बात करें तो पार्टीशन टेबल क्या है, जहां पे पार्टीशन की इंफॉर्मेशन थी और वहां पे मेरा कोई जो है वो किसी भी किस्म का कोई अटैक हुआ, आमतौर पर हो जाते हैं जीरो सेक्टर के ऊपर, तो अगर हो गया तो उसमें XFS का कोई रोल नहीं है, XFS मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। XFS मुझे कहाँ हेल्प करेगा, दो चीज़ें इन्होंने कहा कि, और शायद आपने एक बात की एंटीवायरस की, एक तो वो बताया आपने, दूसरा क्या बताया था, एंटीवायरस। हाँ देखें, फाइल सिस्टम कब करप्ट होता है या फाइल सिस्टम कब क्रैश, सिस्टम जब क्रैश होता है तो फाइल सिस्टम करप्ट हो जाता है। क्रैश का मतलब है एब्रप्ट शटडाउन हो गया। अगर सिस्टम आपका एब्रप्ट शटडाउन हो जाए, एब्रप्ट शटडाउन का मतलब ये होता है कि पावर चली गई और आपके UPS ने काम नहीं किया, ऐसे ही ना, और सिस्टम बगैर ग्रेसफुली शटडाउन होने के बजाय शटडाउन हो गया। और ये एक्सरसाइज अगर एक दफ़ा होगी तो कोई मसला नहीं है, ये एक्सरसाइज अगर मल्टीपल टाइम हो गई
यानी कि मल्टीपल टाइम आपकी मशीन बूट हुई, रिबूट हुई, बूट हुई, रिबूट हुई, अगर इस तरह के कोई काम हो गया तो फिर आपका फाइल सिस्टम चाहे वो EXT3 हो, चाहे वो EXT4 हो, चाहे वो चाहे वो XFS हो, फाइल सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है। और करप्ट के केस में अगर EXT3 और EXT4 है तो आपको कमांड यूज करना पड़ती है फाइल सिस्टम चेक FSC के, और FSC के से आप उस फाइल सिस्टम को जो है वो रिपेयर करते हैं या उसे आप कह लें कि आप उसको फिक्स करते हैं। और अगर आपके पास जो है वो XFS है तो फिर आप XFS_repair से जो है वो उसको फिक्स करते हैं। अब इनका जो सवाल है, ये तो मैंने जस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, अब इनका जो सवाल है वो ये है कि अगर मेरे पास XFS होगा तो क्या रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर मेरे पास FSCK होगा तो क्या रिकवरी के चांसेस कम हैं। इन्होंने ये बात की है क्योंकि जो XFS है वो डेटा की भी जर्नलिंग करता है, डेटा की भी और मेटा डेटा की भी जर्नलिंग करता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ऐसा फाइल सिस्टम है जो कि डेटा की भी जर्नलिंग कर रहा है और मेटा डेटा की भी जर्नलिंग कर रहा है तो वो उसके अंदर रिकवरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। किस सूरत में रिकवरी नहीं होती, अगर मैं XFS रिपेयर यहाँ पे चलाऊँ तो किस सूरत में प्रॉब्लम होती है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैंने डैश डैश हेल्प किया है, किस सूरत में वो आपको ये कहता है कि कुछ हो सकता है आपका डाटा लॉस हो जाए, वो कौन सी सूरत होती है, वो कौन सी सूरत होती है कि जब डाटा जो है वो डिस्क के ऊपर राइट नहीं हुआ। अभी डाटा पहले क्या होता है, डाटा जाके जर्नल में राइट होता है और फिर जर्नल से जो है वो फिर डिस्क में जाता है। तो अगर आपकी मशीन ऐसी सिचुएशन में है कि डाटा आपके जर्नल में था और अभी वो डिस्क पे राइट नहीं हुआ, डिस्क पे राइट नहीं हुआ, तो फिर आपका डाटा जो है वो डाटा जो जर्नल में था और डिस्क पे राइट नहीं हुआ तो वो फिर आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है XFS के केस में। EXT3, EXT4 में ऐसा नहीं होता, उसमें जर्नलिंग होती है लेकिन जो है वो जर्नलिंग के साथ साथ जो है वो डाटा डिस्क के ऊपर भी राइट हो रहा होता है। जो XFS है उसमें कभी कभी हमें रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद -L चलाना पड़ता है L, तो जब L चलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम एग्री हैं इस बात पे कि जो डाटा लॉग के अंदर था, क्योंकि जाहिर है जो डाटा डिस्क पे राइट हुआ हुआ है और जो डाटा उसके जर्नल में है, यानी कि जो इंडेक्स में है और जो इंडेक्स में दिया हुआ है और जो डिस्क के ऊपर है वो मैच नहीं कर रहा, तो हम उसको बोलते हैं भाई इंडेक्स के अंदर से ये चीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि ये डिस्क के ऊपर तो मैच कर नहीं रहा। यूज़र आएगा बेचारा, अगर वो इंडेक्स में होगा, इंडेक्स में देखेगा और जब वो डिस्क पे जाएगा तो नहीं होगा, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई वो जो जर्नलिंग के अंदर जो डेटा है उसको आप ज़ीरो कर दो, मतलब उसको आप नल कर दो, उसको आप रिमूव कर दो, उसको आप डिस्कार्ड कर दो। ये वो ऑप्शन होता है जो XFS के अंदर होता है। अब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट अगर आपके सिस्टम में आपका फाइल सिस्टम अगर आपका फाइल सिस्टम जो है वो डैमेज होता है किसी भी वजह से, करप्ट होता है किसी भी वजह से, बूट की वजह से, रिबूट की वजह से, एब्रप्ट शटडाउन की वजह से, किसी भी वजह से, तो 99% जो है वो डाटा रिकवर हो जाता है, 99% फाइल सिस्टम जो है वो रिकवर हो जाता है, बशर्ते कि आपने पहले ही एल नहीं लगा दिया। पता है ना आपको, अगर आपने पहले ही एल लगा दिया तो फिर, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एल नहीं लगाना। और इसी तरह से जब आप XFS FSCK चला रहे हैं तो इसमें भी ख्याल करना है कि कौन सा स्विच लगाना है और कौन सा नहीं लगाना, इसके भी स्विचेज होते हैं तो स्विचेज देख के काम करना है। खैर, मैं जो है वो यहाँ पे था जहाँ से मेरी बात स्टार्ट हुई थी, SDA4 पार्टीशन बन गया है, उसको मैंने जो है वो XFS से फॉर्मेट भी कर दिया है। अब मैं उसको माउंट करने जा रहा हूँ। लिनक्स में आपको पता है CDEF की तरह कोई लेटर तो होता नहीं है, तो हमें जो है वो इस तरह अपनी डायरेक्टरी बनाना पड़ती है रूट में। मैंने रूट में एक डायरेक्टरी बनाई डेटा के नाम से,
और डाटा के नाम से डायरेक्टरी बना के फिर मैंने क्या किया, डाटा के नाम से डायरेक्टरी बनाई और उसको माउंट कर दिया स्लैश डिवाइस, और से देखिएगा माउंट स्लैश डिवाइस sda4/data, ये मैंने उसको माउंट कर दिया। जब मैं df-st करूंगा तो df-st का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, ये आपकी डिस्क जो है वो माउंट हो चुकी है। और जब आपकी डिस्क माउंट हो चुकी है तो आप ये भी चाहेंगे ये परमानेंटली माउंट हो जाए, तो फिर आपको जाना पड़ेगा vietc fs टैब में, और fs टैब में जाके आपको यही एंट्री करना पड़ेगी। मैं fs टैब में चला गया, fs टैब में जो एंट्री होती है किसी भी स्टैंडर्ड डिस्क की, जो ये मैंने स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाया है, अगर मुझे इसकी fs टैब में एंट्री करनी होगी तो मैं इसके नाम से नहीं बल्कि इसके आईडी से, ये रिकमेंडेड है कि आप उसकी ब्लॉक आईडी मालूम करें। ब्लॉक आईडी का मतलब है उसकी UUID। इसका नाम ये जो SDF4 आ रहा है ना, ये चेंज हो सकता है। अगर फर्ज करें मैं तीसरा पार्टीशन रिमूव कर दूं, जो स्वैप का पार्टीशन है, मैं अपने सिस्टम में से स्वैप का पार्टीशन रिमूव कर दूं तो ये SDA3 से SDA4 से SDA3 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मालूम है ना कि जैसे CDEF चार पार्टीशन होते हैं, आपने जो है वो एक पार्टीशन रिमूव कर दिया ई वाला, तो एफ वाला जब भी मशीन रिबूट होगी वो ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो आपकी आपकी डिस्क जो है वो बूट नहीं करेगी, आपका सिस्टम बूट नहीं करेगा। मैं उसकी एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा vietc fs टैब में मैं गया और मैंने यहाँ जाके कह दिया डिवाइस sda4 डेटा, फाइल सिस्टम की टाइप क्या है xfs डिफॉल्ट्स 00, ये मैंने एंट्री की है। अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये हार्ड डिस्क का नाम है, ये उसके उस फोल्डर का नाम है जिससे इसने मैप होना है, ये इसका फाइल सिस्टम है, ये इसके परमिशन के ऑप्शन है, और ये इसका फाइल सिस्टम चेक और बैकअप के ऑप्शन है, फाइल सिस्टम चेक और बैकअप के ऑप्शन है। तो ये इस तरह से जो है वो इसमें ऑप्शन होते हैं, इनको भी अगर आप वेरीफाई करना चाहें, मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला जीरो होता है ना ये होता है फाइल सिस्टम चेकिंग का, और जो दूसरा वाला जीरो होता है ना ये होता है बैकअप का। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो आपने कहा W2 से इसको सेव करो, मैन करो etc fs tab नहीं सिंपल fs tab, मुझे fs tab का मैनुअल दो, ये कौन सी फाइल है, इसमें क्या एंट्री की जाती है। तो अभी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि तुम्हारे सर ने जो 00 के बारे में तुम्हें बताया था ना भाई, 00 के बारे में बताया था ना, तो पहले वाला जीरो फाइल सिस्टम चेक का नहीं था, पहले वाला जीरो था बैकअप का। लिनक्स में डंप की कमांड होती है बैकअप करने के लिए। अगर आप यहां तक पढ़ लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आप यहां से पढ़ लें तो और थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। लिनक्स में डंप की कमांड जो है वो बैकअप करने के लिए होती है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप डंप जो है वो चेक करके कर सकते हैं कि डंप क्या करता है, और फाइल सिस्टम चेक क्या करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये फाइल सिस्टम चेक करता है। अब आप यहां से पढ़ लें, अगर आपने वैल्यू जीरो दी है तो आप ये कह रहे हैं कि इस फाइल सिस्टम को जो है वो चेक होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि तुम जब भी मशीन स्टार्ट करो फाइल सिस्टम को चेक करना शुरू कर दो, fsck चला दो या स्कैन डिस्क करो, नहीं। और ना ही ये फाइल सिस्टम को बूट टाइम पे जब भी सिस्टम बूट हो इसको बैकअप करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन दे जो हमने मैन fs टैब से देख लिए। खैर मैं वापस गया etc fs टैब में और ये मैंने एंट्री की है आपके सामने ये एंट्री। अब जब मैं इस मशीन को एंट्री को करने के बाद हम टेस्ट करते हैं mount-a से, अगर mount-a सही चल रहा है उसमें कोई एरर नहीं आया इट मीन्स कि एंट्री सही है। अब मैं इस मशीन को रिबूट कर रहा हूँ ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या मेरा पार्टीशन माउंटेड आएगा जब मशीन बूट होके आएगी, क्योंकि fs टैब में जो हम एंट्री करते हैं वो करते ही सिर्फ इसलिए हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये परसिस्टेंट हो जाए, ये परमानेंट हो जाए, बार बार हमें माउंट नहीं करना पड़े। ऑटोमेटिकली एंट्री क्रिएट कर दे, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऑटोमेटिक एंट्री क्रिएट कर दे।
हाँ, इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एंट्री क्रिएट करवा लें, तो फिर ऑटोमेटिक एंट्री क्रिएट करवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और वहां से आपको जीयूआई में जाना पड़ेगा। जीयूआई का जो ऑप्शन है, आप उस जीयूआई के ऑप्शन को, डिस्क के इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एंट्री कर देगा। अभी ये मैंने फाइल सिस्टम जो है वो माउंट किया है किस पे? डिवाइस SDA4 को डेटा पे माउंट किया है। अगर मेरे पास ये फ्री स्पेस है, इसमें मैं नया पार्टीशन बना लूं, मैंने कहा भाई नया पार्टीशन बनाओ, कितने MB का? 2000 MB का या 4000 MB का एक और बना दो, तो ये कह दिया उसको। और उसके बाद कितना हो गया भाई? 4000 MB का मैंने पार्टीशन बना लिया। नेक्स्ट किया, उसने कहा वॉल्यूम का नाम क्या रखना है, कोई नाम देना चाहते हैं तो आप दे दें। इसको क्या करना है, एग्जिस्टिंग डाटा को इरेज करना है, मैंने कहा कर दो, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, कौन सा फाइल सिस्टम रखना है, तो वो आपकी मर्जी, आप कौन सा रखना चाहते हैं, आपने अदर कर दिया। ये EXT4 की बात कर रहा था, NTFS, FAT, मैंने अदर कर दिया। और उसके अलावा जो है वो वॉल्यूम का कोई नाम रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, मैंने ऐसे दे दिया बैकअप, और नेक्स्ट कर दिया। और उसने पूछा कौन सा फाइल सिस्टम, मैंने कहा यहाँ पे XFS रख दो। और उसके बाद जो है वो उसने मुझसे फिर कंटिन्यू करवाया क्रिएट, और ये पार्टीशन बन गया है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब ये पार्टीशन बन जाए तो इसकी FS टैब में एंट्री देखते हैं होती है नहीं होती। तो अगर आपको GUI से काम करना है तो आप GUI से कर सकते हैं। मोस्टली GUI जो है वो एंट्रीज जो है वो कर देता है। एग्जाम में जो है वो रिकमेंडेड ये है आप CLI करें, आप GUI की तरफ नहीं जाएं। RHCSA के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ LDAP की कॉन्फ़िगरेशन के लिए GUI पे जाएं, इसके अलावा GUI पे नहीं जाएं। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप GUI पे जाएंगे। सिर्फ LDAP एक ऐसा काम है जिसमें सर्टिफिकेट कॉपी पेस्ट करना होता है, उसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप जो है वो GUI पे चले जाएं, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप GUI पे जाएं, हम उसके अलावा नहीं करते। और इसी तरह RHC में हम सिर्फ एक काम करने के लिए कि फायरवॉल में जो रूल्स बनाने होते हैं, हम उसमें कौन सा रूल, फायरवॉल में जो फॉरवर्डिंग के रूल बनाना होते हैं कि इस पोर्ट पर आने वाले डाटा को इस पोर्ट पर भेज दो, सिर्फ उसके लिए हम बोलते हैं कि आप GUI पे जाएं। बाकी वैसे भी 80-90% काम जो है वो GUI से हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको CLI चाहिए होता है। उसने मुझे कहा कि एक मिनट, उसने मुझे कहा कि ये माउंटेड नहीं है। मैं यहाँ चला गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है माउंट सिलेक्टेड पार्टीशन का ऑप्शन है, मैंने उस पर क्लिक किया, उसने उसको माउंट कर दिया। कहाँ पे माउंट किया? रन मीडिया रूट बैकअप के नाम से उसने एक टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर उसको माउंट कर दिया है। तो अगर मैं उसको स्टॉप करूंगा तो क्या वो माउंटिंग खत्म हो जाएगी? यस, खत्म हो गई। माइनस करने से डिलीट हो जाएगा। एडिशनल पार्टीशन ऑप्शन में चला गया, इसमें कहीं पे माउंट का ऑप्शन आ रहा है? फॉर्मेट, एडिट, एडिट फाइल सिस्टम, रिसाइज, चेक, रिपेयर, एडिट माउंट ऑप्शन, मैं इसमें चला गया। और यहाँ जाके मैंने उसको बोला कि भाई क्या करना है, माउंट एट सिस्टम स्टार्टअप, लिखा हुआ आ रहा है माउंट एट सिस्टम स्टार्टअप, और कौन से फोल्डर से माउंट होगा, उसका माउंट पॉइंट क्या होगा। मैंने कहा वो माउंट हो जाए किससे, डाटा 2 के फाइल उससे, या बैकअप से, सॉरी। तो बैकअप के नाम से ये फोल्डर बनाएगा और माउंट हो जाएगा। फाइल सिस्टम की टाइप क्या है, मैंने ऑटो दी हुई, अगर मुझे टाइप पता है तो मैं वो दे सकता हूँ। ऑटो का मतलब होता है देखो क्या फाइल सिस्टम है और कर दो। अब ये काम मैंने यहाँ से कर दिया। इसकी जगह पे जो मैं ऑप्शन देता हूँ, ये जो नो SUID, नो DEV, तो इसकी जगह मैं ऑप्शन देता हूँ डिफॉल्ट्स, ये दे दिया। उसके अलावा कुछ और जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने जस्ट ओके किया और इसको मैंने क्लोज किया। और अब जब मैं कैट ETC FS टैब में जाऊंगा, क्या उसने एंट्री की है, कोई चेक करते हैं, क्या उसने कोई एंट्री की है? Yes. उसने एक एंट्री की है, डिस्क डिवाइस डिस्क बाय UUID डैश बैकअप XFS डिफॉल्ट 00, ये उसने एंट्री की है।
और इस एंट्री के ऊपर अगर मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा तो आप चेक कीजिएगा कि पार्टीशन मेरा जो है वो माउंटेड आना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। हाँ, मैंने भी देख लिया था कि स्लैश भी लगा है। फैसल भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है ना? जी भाई आ रही है। अच्छा अच्छा बस। आज बारिश का तो कोई प्लान नहीं है कराची में? है आज आखिरी दिन बारिश का? ऐसा कभी आपने अपनी जो है वो उसमें लाइफ में देखा है कि कराची में मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे रोज बारिश हो? मैंने राइट माउस क्लिक किया है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डीएफ माइनस एसटी करूंगा, तो मेरे पास फाइल सिस्टम माउंटेड आना चाहिए। क्या फाइल सिस्टम माउंटेड है? कहाँ पर है माउंटेड? माउंटेड क्यों नहीं है? मैंने कहा माउंट माइनस है, माउंटेड क्यों नहीं है? वो कह रहा है माउंट पॉइंट बैकअप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, माउंट पॉइंट बैकअप डज नॉट एग्जिस्ट। वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहां पे जो मैं काम करने गया था वहां पे मैंने स्लैश नहीं लगाया। अगर स्लैश लगाया हुआ होता तो वो जो है वो मेरे सिस्टम पे इसको माउंट कर देता। ठीक है, तो दोबारा मैंने डब्ल्यू क्यू किया और रिबूट कर दिया, फिर चेक कर लेते हैं। वो मैंने गलती से सिर्फ बैकअप लिख दिया था। यूयूआईडी कॉपी कैसे करेंगे? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। यूयूआईडी कॉपी कैसे करेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो मशीन मिलती है वो मिलती है आपको सीएलआई मोड में, और लेकिन उसके ऊपर जीयूआई होता है। अगर आप सिस्टम सीटीएल, अगर आपको ये मालूम है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज अभी। हाँ बता, दिखा रहा हूँ। हसन की हर चीज में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, लेकिन जो है वो जो फाइंड करने की कमांड होती है ना, उसमें सही मार्क्स नहीं है, मतलब उसमें 67% मार्क्स आए। हाँ नहीं, अभी है यहाँ पर। वो ये जो ये था वो परसों उसी के तो ट्रेनिंग करा, वो कराई थी तैयारी। अच्छा, मैंने आपको एक तो ये दिखाना है डीएफ माइनस एसटी के आउटपुट में क्या बैकअप माउंट हो गया, तो आप ये देख लें बैकअप माउंट हो गया। मैंने बैकअप के नाम का फोल्डर नहीं बनाया था। लिनक्स जब स्टार्ट में माउंट कर रहा होता है पार्टीशन को, तो और अगर फोल्डर नहीं बना हुआ हो तो वो फोल्डर या माउंट पॉइंट खुद से बना देता है। ठीक है, इन्होंने एक सवाल किया है कि सर जी, अगर मेरे पास, मुझे ये मालूम है कि मेरी एसडीए फाइव है, इसका मुझे यूयूआईडी चाहिए, या ये एसडीए फोर है इसका मुझे यूयूआईडी चाहिए, और यूयूआईडी मुझे कैसे करना है? मैंने कहा भाई देखो, सिंपल सी बात है, बीएलके आईडी, और आपने लिख दिया डिवाइस एसडीए4। आप ये करोगे, अगर आप जीयूआई पे हो तो आप यहां से राइट माउस क्लिक करोगे, इसको ऐसे करके कॉपी कर लोगे। लेकिन अगर आप यहां पे जीयूआई पे नहीं हो, आप हो सीएलआई पे, कंट्रोल ऑल्टर F2, आप यहां पर हो सीएलआई पे, फिर आप क्या करोगे भाई? तो उसका तरीका यह है, स्क्रीन जरा देखिएगा, BLK ID /dev SDA4। ये देखें,
ये लिखा आपने और उसके बाद आपने दो मरतबा, गौर से देखिएगा इस बात को, दो मरतबा, अगर आपने एक दफा कर दिया तो आपकी एफ स्टेप गई, दो मरतबा आपने स्लैश ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और ई टी सी एफ एस टैब के अंदर आपने एंट्री करनी है ऐसे। इसका मतलब है कि एफ एस टैब में इसका जो भी आउटपुट आता है वो एफ एस टैब में भेज दो, ये आपने भेज दिया एफ एस टैब में। और अब आप अगर जाके एफ एस टैब में देखेंगे सी ए टी कैट स्लैश ई टी सी एफ एस टैब, इसमें ये एंट्री आई भी होगी, अपने काम की लाइन आपने रख लेनी है और बाकी आपने रिमूव कर देना। मेरे काम की लाइन कौन सी है? मेरे काम की लाइन है वी आई स्लैश ई टी सी एफ एस टैब, और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा डिवाइस एस डी एफ फोर को हटाओ, यू यू आई डी इन्वर्टेड कॉमा भी हटाओ, इसको भी हटा दो, टाइप भी हटा दो, एक्स एफ एस तो रहेगा, उसके अलावा सारी चीज़ें हटा दो आगे से। यहाँ पे क्या लिखना है अब आपकी मर्जी, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जाम्पल इसको डेटा पे माउंट करना है, फाइल सिस्टम जो है वो क्या है भाई एक्स एफ एस है और परमिशन जो है वो डिफॉल्ट है और 00, ये आपने एंट्री कर दी। मैंने चूंकि ऊपर इसकी डिवाइस से एंट्री हुई भी है इसलिए मैंने इसको अभी हैश कर दिया है, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, स्पेस दे दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस जो है वो डेलीमीटर है, स्पेस जो है वो उसके दरमियान में जो है वो यूज हो रहा होता है। डब्ल्यू क्यू से सेव किया और सेव करके बाहर आ गया। अब अगर मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा तो मुझे मालूम है कि मशीन जो है वो रिबूट हो जाएगी और उसमें सब चीजें जो है वो प्रॉपर चल रही होंगी। मैंने जीवाई पे आना है, मैं जीवाई पे आ गया। एक सवाल आया था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जिसका इससे वैसे कोई ताल्लुक तो नहीं है लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपको मशीन कौन से रन लेवल पे मिलती है? रन लेवल ये 5 पर आपको मिलेगी 3 पे, लेकिन आपने सिस्टम सीटीएल आइसोलेट करके आपने चले जाना है कहाँ पे चले जाना है? आपने सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट करना है, उसने आपको बता देना है कि भाई ये सीएलआई है, मल्टी यूजर टारगेट है, तो आपने उसको सेट डिफॉल्ट करके आपने उसके आगे टारगेट लिख देना है कि मुझे ग्राफिकल डॉट टारगेट पे पहुंचा दो। लीनिस की पेपर में अगर आप देखेंगे तो पेपर में ये क्वेश्चन होता है कि आपको अपना डिफॉल्ट टारगेट जो है वो जीयूआई सेट करना है। आपने इस तरह सेट कर दिया, जब आप मशीन को रिबूट करेंगे तो आपकी मशीन जो है वो जीयूआई में आ जाएगी। आप फिर जीयूआई के ऊपर ये टर्मिनल इस तरह खोल के सारे काम करते रहें, काम तो आपको इसी टर्मिनल पे करना है ना, तो उस ब्लैक स्क्रीन से बेहतर है कि आप इस पे करते रहें। और आपने ये सेट कर दिया, अब यही चीज जो है वो अगर आप आरएचसी का पेपर दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें होता यह है कि वो ये कहते हैं कि जिस नोट में लिखा हुआ है कि जो टर्मिनल आपको मिला है आपने मशीन को उसी टर्मिनल में वापस छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने टर्मिनल चेंज किया, क्या करने के लिए? मैंने टर्मिनल चेंज किया फायरवॉल के रूल को सेट करने के लिए, क्योंकि सर ने कहा था कि भाई जीयूआई पे कन्वर्ट कर लेना अगर तुम चाहते हो कि फायरवॉल के रूल सेट करो, और मैं वापस रिटर्न टर्मिनल छोड़ना भूल गया, मतलब मैंने टर्मिनल को अगर वो सीएलआई में जिस मशीन का उसको सीएलआई में रहने देना है और जिसका डिफॉल्ट जीयूआई था उसको जीयूआई में रहने देना है, अगर मैंने उसको चेंज किया तो वो भी मेरे जो है वो भी मेरे लिए मसला बन सकता है। बहरहाल मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया आपके सामने, आप देख लें। अब मेरे जहन में एक और चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, वो क्या है? ये स्वैप का पार्टीशन SDA3 स्वैप क्या होता है? स्वैप होता है मेमोरी के लिए स्पेस रिजर्व किया जाता है डिस्क पे, मेमोरी के लिए स्पेस रिजर्व किया जाता है डिस्क पे, ये स्वैप होता है। मैंने कहा यार स्वैप के लिए अगर मैं SSD लगा लूं, एक नई SSD लगा लूं तो कैसा होगा? मैं गया अपनी मशीन में और मैंने जनाब सेटिंग में गया और मैंने कहा एक हार्ड डिस्क ऐड करो, इस हार्ड डिस्क को ऐड करके हार्ड डिस्क साटा हार्ड ड्राइव नेक्स्ट कितने GB की 4 GB की और सिंगल ड्राइव नेक्स्ट फिनिश ओके। जब डिस्क आ गई तो LS SCSI के अंदर नजर आनी चाहिए, आ गई SDB को
एसडीबी के ऊपर अभी कौन सा पार्टीशन टेबल है, जब कोई नई हार्ड डिस्क आती है उसके ऊपर कौन सा पार्टीशन टेबल होता है, ये आप यहां से देख सकते हैं। मैंने लिखा है एफ डिस्क, या मैंने लिखा है यहां पे पार्टेड माइनस एल स्लैश डिवाइस एसडीबी, कौन सा फाइल सिस्टम है उसके ऊपर। एमएस डॉस कहां है भाई, एसडीबी ये देखें, अननोन 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 का मतलब है इस पे कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, सॉरी कोई भी पार्टीशन सिस्टम नहीं है, अननोन है। जैसे आप देखें ना इसके अंदर कौन सा है, जीपीटी है, इसमें कौन सा है, अननोन। अच्छा अब अगर मैं जी डिस्क से इसके पार्टीशनिंग करूंगा तो इसके ऊपर जीपीटी बन जाएगा, अगर मैं एफ डिस्क से करूंगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एमबीआर बन जाएगा। ये दोनों ऑप्शन है, तो मैं गया और मैंने कहा एफ डिस्क से इसके पार्टीशन करते हैं एसडीबी के, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, क्या मैसेज दे रहा है, कह रहा है एम प्रेस करो, डिवाइस के ऊपर डज नॉट कंटेन अ रिकॉग्नाइज पार्टीशन टेबल, डिवाइस के ऊपर पार्टीशन टेबल नहीं है, तो मैं एक न्यू डिस्क, न्यू डॉस्क डिस्क लेबल विद डिस्क आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहा हूं, ये बिल्ड कर रहा है। तो क्या अब उसने बिल्ड कर दिया, माइनस पी से देखते हैं, तो उसने बताया यस मैंने कर दिया, और क्या किया है डॉस। यही काम अगर मैं क्विट कर दूं और यही काम अगर मैं जी डिस्क से करूं तो जी डिस्क के केस में क्या होगा, कह रहा है अभी तो कोई भी नहीं बना हुआ, ना एम बी आर बना हुआ इस डिस्क पे, ना जीपीडी बना हुआ इस डिस्क पे, कोई भी नहीं बना हुआ। तो क्या आप मुझसे पूछा नहीं उसने, बल्कि उसने कहा मैं जीपीडी बना रहा हूं यहां पे, मैं बना रहा हूं जीपीडी। अब अगर तुम पी करके देखोगे तो क्या बना हुआ होगा, जीपीडी कहीं नजर आ रहा है, कहीं जीपीडी नजर आ रहा है, बस वो ये बता रहा है पार्टीशन टेबल होल्ड अप टू 128 एंट्रीज, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जीपीटी होगा, क्योंकि जीपीटी ही है जो 128 पार्टीशंस की एंट्रीज होल्ड कर सकता है। अच्छा एक और बात, इससे भी मैं क्विट कर गया, अगर मैं यहां पे पार्टेड की कमांड इस्तेमाल करूंगा, पार्टेड स्लैश डिवाइस एसडीबी, जी डिस्क क्या करता है, जीपीटी सिस्टम बनाता है, एफ डिस्क क्या करता है, एमएस डॉस सिस्टम बनाता है, पार्टेड क्या करता है, पार्टेड बोलता है, पार्टेड क्या बोलता है, पी पार्टेड कहता है कि इसके ऊपर पार्टीशन टेबल अननोन है, अगर आपको अपनी मर्जी से बनाना है तो आप हेल्प करो, हेल्प लो और आपको मैं हेल्प दूंगा, और ये ऑप्शन है एम के लेबल या एम के टेबल का, और उससे आप लेबल बना सकते हो। तो अगर मैं यहां पे एम के टेबल की कमांड इस्तेमाल करूंगा और उसको बोलूंगा मुझे जीपीटी चाहिए, तो ये जीपीटी बना देगा, इसको मैं अगर बोलूंगा देखिएगा अभी जीपीटी बनेगा, बन गया। अगर मैं इसको बोलूंगा पी से दिखाओ बना या नहीं बना, तो दिखाएगा हाँ जीपीटी बन गया, और मैं इसको बोलूंगा नहीं मिस्टेक हो गई मुझसे, जीपीटी नहीं चाहिए मुझे, एमएस डॉस चाहिए या मुझे एमबीआर चाहिए, एमएस डॉस और एमबीआर एक ही बात है, कह रहा देख लो पहले से बना हुआ है। मैंने कहा हाँ बना हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करो और नया पार्टीशन टेबल बना दो। अब आप देखें पहले वो हाईलाइट हुआ है जीपीटी था, अब क्या हो गया एमएस डॉस हो गया। तो पार्टेड आपको ये फैसिलिटी देता है जो कि जी डिस्क और एफ डिस्क आपको नहीं देते। पार्टेड आपकी बुक के अंदर किसी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास एक ऑप्शन है। अब मुझे इसमें पार्टीशन करना है तो कैसे करूंगा, हेल्प का ऑप्शन है, ये पार्टेड से कर रहा हूं, हेल्प का ऑप्शन है, उसने कहा पार्टीशन बनाना है, तो ये उसका तरीकेकार होता है। प्रिंट करना है तो प्रिंट करें या पी लिखने, सिंपल वो आपको बता देगा अभी कितने पार्टीशन बने हुए हैं। और अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, एम के पार्ट ऊपर ऊपर उसका जो है ना वो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये देखें एम के पार्ट पार्टीशन टाइप फाइल सिस्टम टाइप स्टार्ट एंड एम के पार्ट। अब पार्टीशन का टाइप क्या होती है, कह रहा है प्राइमरी या एक्सटेंडेड, मैंने कहा प्राइमरी। अगर ये जीपीटी सिस्टम होता तो उसमें ये नहीं पूछता, क्योंकि उसमें एक्सटेंडेड के बारे में नहीं पूछा जाता। कह रहा है फाइल सिस्टम कौन सा होगा, मैंने कहा फाइल सिस्टम होगा स्वैप, स्वैप फाइल सिस्टम ये होगा, ये स्वैप बना रहा हूं। कह रहा है भाई फाइल सिस्टम की टाइप जो आपने सेट की है ना, ये आपको यहां पे, ये आपको यहां पे जो है वो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको स्वैप लिखना है
तो पहले आप इसको इसमें एक्सटेंडेड टू बना लें और उसके बाद फिर आप जाके जो है वो बनाइएगा, चेंज कर लीजिएगा उसकी टाइप। मैंने EXT2 दे दिया, उसने कहा स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने कहा 2048 से स्टार्ट कर दो और एंड कहाँ पे करना है, 4 GB पे एंड कर दो, 4000 MB पे एंड कर दो, ये उसको मैंने कह दिया है। जब मैं इंटर करूँगा, पी प्रेस करूँगा तो मेरा पार्टीशन एक लिनक्स का बन गया है, पार्टीशन बन गया। फाइल सिस्टम उस पर नज़र नहीं आ रहा, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने यहाँ पे पूरी की और उसमें आंसर दे दिया EXT2, ये एक फॉर्मेलिटी थी। अब बन गया, जब बन गया तो मैंने इसको कैसे बाहर निकलना है, कमांड क्या है बाहर निकलने की, हेल्प की कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हो कि भाई के बाहर आ जाओ, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बस सिंपल ऑप्शन है क्विट कर दें। जब आप क्विट करेंगे तो आपकी LSBLK के अंदर वो पार्टीशन SDB आना चाहिए। आ रहा है क्या, हमने इतने साइज का बनाया था क्या? वो कह रहा है मैंने SDB1 एक 1.8 GB का पार्टीशन बना दिया, क्या हमने इतने साइज का बनाया था? इतने साइज का तो नहीं बनाया था, यहाँ पे कितने साइज का बता रहा है, पार्टेड -L/device SDB। अरे ये तो साइज ही गलत हो गया, गलत साइज हो गया भाई, 35.7 MB उसका साइज हो गया। मैंने कहा भाई उसको डिलीट करो, कैसे करो, रिमूव पार्टीशन नंबर 2, यही है ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इधर ऊपर है, ये रहा, सही तो है, ऐसा कैसे साइज बन गया। अच्छा उसने वो 2048 MB ले लिया, गलत ले लिया उसने, हमने 2048 के साथ बाइट्स लिखना या किलो बाइट्स लिखना चाहिए था, गलत ले लिया उसने। पार्टेड, दोबारा गए पार्टेड में, /device SDB, बोला रिमूव करो, पहले प्रिंट करो फिर रिमूव करो पार्टीशन नंबर 1, फिर दोबारा से क्रिएट करो। कैसे क्रिएट होगा भाई, एम के पार्ट, पार्टीशन की टाइप क्या होगी, प्राइमरी, फाइल सिस्टम क्या होगा, इंटर कर दिया, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा मैंने कहा 2048 के से, और एंड कहाँ पे होगा, 4000 MB पे, या 4G कर देता हूँ। उसने कहा कि प्रॉपरली अलाइन नहीं है, मैंने कहा हाँ इग्नोर कर दो इस बात को, कोई मसला नहीं, वो कम होता है थोड़ा सा, जाहिर है 4GB का स्पेस लिया है तो शायद वो 4GB से थोड़ा कम बनाए। तो मैंने प्रिंट किया, ये मेरे पास 4293 MB साइज का पूरा उसने पार्टीशन क्रिएट कर दिया, क्विट करके बाहर आ गया। अब यहाँ पे आके LSBLK करूँगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 4GB का पार्टीशन होगा। स्वैप बनाने के लिए, स्वैप बनाने के लिए रिकमेंडेड ये होता है कि ये तो आपने बना लिया, लेकिन इसकी टाइप, पार्टीशन की टाइप भी स्वैप होनी चाहिए। स्वैप से मुराद क्या है, जैसे मैं FDIS में गया, device SDB, क्या इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप तो सिंपल लिनक्स का पार्टीशन है, उसका जो कोड नंबर है वो 83 है। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा T, T का मतलब है इस पार्टीशन की टाइप जो लिनक्स का बनाया है उसकी टाइप चेंज करनी है, और उसकी टाइप क्या रखनी है। L प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे लिनक्स के स्वैप का नंबर पता चलेगा, 82, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 82। आप देखेंगे कि ये नॉर्मल लिनक्स का पार्टीशन था, उससे ये लिनक्स का स्वैप बन गया, W से सेव किया, बाहर आ गया। हम इसीलिए पार्टीड को आम तौर पे यूज नहीं करते कि पार्टीड के अंदर हो सकता है हो ऑप्शन, लेकिन हमें जो है वो पार्टीशन चेंज करना पड़ता है उसकी टाइप, अगर स्वैप वगैरह बनाना है तो, इसलिए हम FDIS को यूज कर लेते हैं। LSBLK, ये आपके पास पार्टीशन आ गया है SDB1। फाइल सिस्टम इस पे डालना है MK swap, ये कमांड है, अगर आपने फॉर्मेट करना है इसको तो ये कमांड है SDB1, इससे उसने स्वैप का फाइल सिस्टम बन गया। स्वैप के फाइल सिस्टम को हम RAM FS भी बोलते हैं, RAM जैसा फाइल सिस्टम होता है ये। और उसके बाद यहां जरा देखिएगा स्क्रीन पे, free minus m के अंदर आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्वैप कितना साइज का है, ये स्वैप का साइज है,
ये स्वैप का साइज है, मुझे ये कहा गया है कि इस स्वैप के साइज को आपने, इस वाले स्वैप को जो आ रहा है इसको आपने खत्म कर देना है, क्योंकि ये लो स्पीड डिस्क के ऊपर है। आपने हाई स्पीड डिस्क एसएसडी लगाई है तो स्वैप अब उसके ऊपर होना चाहिए जो एसडीबी आपने लगाई थी। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने कमांड लिखी है स्वैप ऑन, स्वैप ऑन माइनस एस, आपको दिखाने के लिए कि उसने बताया अभी एसडीए 3 के ऊपर स्वैप बना हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा स्वैप ऑन कर दो, किस पे? डिवाइस एसडीबी 1 पे। जब डिवाइस एसडीबी 1 पे स्वैप ऑन हो जाएगा तो अब आपके पास स्वैप कितने आएंगे? 2 आएंगे। और जब आपके पास स्वैप 2 आएंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो इसे क्या कर दें, पुराने वाले स्वैप को आप ऑफ कर दें। कैसे? डिवाइस SDA 3, आपने बोला इस स्वैप को ऑफ कर दो, इट मींस के अब वो स्वैप यूज नहीं होगा। तो आपने अपना स्वैप जो है वो नए वाले सिस्टम के ऊपर, नई वाली डिस्क के ऊपर शिफ्ट कर दिया और अब आपका स्वैप पुराना वाला खत्म हो गया। जब ये पुराना वाला स्वैप खत्म हो गया तो अब आप ये भी चाहेंगे कि इसकी FS टैब से एंट्री भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर FS टैब में इसकी एंट्री रहेगी, अगर FS टैब में इसकी एंट्री रहेगी तो ये फिर दोबारा माउंट हो जाएगा, फिर दोबारा आप हो जाएगा, एक बात। और नए वाले सिस्टम की एंट्री करनी भी होगी। तो मैं गया FS टैब में और मैंने वहाँ पे क्या चेंज किया है ज़रा देखिएगा। सिर्फ यहाँ पे आया हूँ, स्वैप का UUID लगा हुआ है, स्वैप का। इस UUID की जगह पे मैं जो नया वाला स्वैप है उसकी UUID लगा रहा हूँ। कैसे? डिवाइस SDB1, इसकी UUID मैंने यहाँ से कॉपी की और कॉपी करने के बाद VIETCFS टैब में दोबारा चला गया और इस UUID की जगह पे मैंने उस वाली UUID को पेस्ट कर देना है जो नई है। एक मिनट बता रहा हूँ सही जी, बस इतना सा काम किया मैंने और मेरा पुराना वाला स्वैप खत्म हो गया। अब उसकी जगह नया स्वैप ने ले ली है और ये नया स्वैप जो है वो अब आपको नजर आएगा WQ से सेफ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वैप ऐसे नजर आता है फ्री माइनस एम। अब आपका स्वैप जो है 4000 GB का हो गया, MB का हो गया है। और अगर आप स्वैप ऑन माइनस एस करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि स्वैप अब आपका SDA3 के ऊपर स्वैप नहीं है, बल्कि अब वो SDB1 के ऊपर जो आपकी SSD थी अब उसके ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो ये आपके पास ऑप्शन था। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जिसका ताल्लुक इस पार्टीशन से बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक बात। लिनक्स में ये आपके पास, लिनक्स में हर चीज का ऑप्शन आपके पास होता है, हर चीज का। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं होती जो लिनक्स बोले तो मैं खुद ही करूंगा, छुपा के तो मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या चीज है? ये लिनक्स के कर्नल को बताया गया है कि कर्नल भाई जब तुम्हारी 70% रैम फ्री माइनस एम में, जब तुम्हारी 70% रैम यूज होना शुरू हो जाए, कितने परसेंट? 70%। जब तुम्हारी 70% रैम यूज होना शुरू हो जाए तो फिर तुम जो है वो स्वैप की तरफ जाना। अगर ये नंबर 30 है तो इसका मतलब है, अगर 70% रैम, इसका मतलब ये है कि 30% रैम अगर रह जाए तो फिर स्वैप को यूज करना। तो मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं कि मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूं, यानी कि पहले कोशिश करो 90% सच बोलो, नहीं सच बोलने का ऑप्शन, जान भी बच रही हो तो फिर 10% जो है ना वो फिर झूठ से काम चला लो भाई। अगर फिजिकल रैम मौजूद है जो कि रिलायबल है, जो कि फास्ट है, जो कि हार्डवेयर बेस्ड है, तो फिर आप जो है वो, अगर वो मौजूद है तो आप उसको पहले यूज करें और फिर आप जाएं जो है वो VM स्वैप की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट में पैरेलल होता है, हार्ड डिस्क में रैम आपकी 8 GB रैम है और 2 GB इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो पैरेलल में स्वैप को भी यूज करता है, पैरेलल में जब फिजिकल रैम मौजूद है तब भी यूज करता है, जो कि कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट को शायद परफॉर्मेंस की पेनल्टी इसी वजह से जो है वो आती होगी, लेकिन जो है वो अब माइक्रोसॉफ्ट इसको
जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि अब इसको जो है वो शायद बहुत सारी, पहले भी उसने 2008 में काफ़ी सारी चेंजिंग्स की थी, चूँकि हम लिनक्स को समझते थे इसलिए हमें मालूम है कि उसने क्या क्या चीज़ें लिनक्स से कॉपी कर ली हैं। तो अभी भी बहुत तेज़ी के साथ वो बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रहा है, और अभी सुनने में ये भी आया है कि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना कर्नल है, माइक्रोसॉफ्ट उस कर्नल को जो है वो रिप्लेस कर दे लिनक्स के कर्नल से, या अपने लिनक्स का जो कर्नल वो कस्टमाइज करेगा उससे। ठीक है, तो लिनक्स में ये इसके कर्नल के अंदर ऑप्शन है कि भाई आप बताओ कितने परसेंट रैम जब फ्री होगी तो फिर मैंने यूटिलाइज करना शुरू करना है किसको, स्वैप को। आप देखें मोस्टली लिनक्स के सिस्टम में जो ओवरलोडेड नहीं होते, अगर आप फ्री माइनस एम करेंगे तो स्वैप का यूटिलाइजेशन जो है वो आपको जीरो मिलेगा, जीरो। एक बात थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं जब परफॉर्मेंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको, मेरा मूड था कि मैं आज परफॉर्मेंस का टॉपिक पढ़ाता, लेकिन जो है वो जब मैं आपको परफॉर्मेंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं ये सारी बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि हो सकता है आप यहां पे कंफ्यूज हो कि रैम यूज हो रही है 721 और फ्री है इतनी। तो जो बफर में रखी हुई होती है, जो कैशे में रखी होती है, वो भी अवेलेबल होती है, वो भी अवेलेबल रैम होती है। ठीक है, तो आपकी रैम जो है वो 721 को आप माइनस कर दें 1819 से, जो भी वैल्यू बनती है तकरीबन 1 GB रैम जो है वो आपकी फ्री है, ये आप समझ लें। लिनक्स में वो मेमोरी को कैशे में या बफर में जो है वो शो कर रहा होता है, जो एक तरह से आपके लिए अवेलेबल होती है, आपके यूजर्स की एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होती है। बहरहाल, तो मैंने ये क्या किया है, मैंने एक नया पार्टीशन स्वैप का बना दिया, जिस स्वैप के पार्टीशन के बाद अब इस पार्टीशन नंबर 3 का कोई जवाब रहता नहीं है, इस पार्टीशन का कोई जवाब नहीं है। इस पार्टीशन को अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप इस पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, SDA3 जिसका नाम है। इन्होंने सवाल किया कि एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में एक डिस्क होती है जिस डिस्क में VDA वर्चुअल डिस्क ए, उसमें एक पार्टीशन बना हुआ होगा, दूसरा बना हुआ होगा, तीसरा बना हुआ होगा, और उसका जो फाइल सिस्टम होगा, उसका जो पार्टीशन टेबल होगा वो MS-DOS होगा। तीन पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए होंगे, एक बूट का, एक स्लैश का और एक स्वैप का। अब आपको मजीद चार बनाने हैं, कितने बनाने, चार मजीद बनाने, या ये कह लें तीन मजीद बनाने और एक को एक्सटेंड करना है। तो आप क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे मैं यहां पे एक्सटेंडेड ना बना लूं, और एक्सटेंडेड के अंदर फिर मैं लॉजिकल ड्राइव ना बना लूं, Logical Drive 1, Logical Drive 2, Logical Drive 3, ऐसा ना कर लूं। नहीं, बूट पार्टीशन बना हुआ है, उसका कोई वो नहीं, वो बोलेंगे बस डेटा के नाम से पार्टीशन बना हुआ है, MNT में उस पर माउंट कर दो, MNT में बैकअप के नाम से पार्टीशन फोल्डर बना उस पर माउंट कर दो, वो डेटा के पार्टीशन होंगे, और एक में वो कहेंगे स्वैप को एक्सटेंड कर दो। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए तो आपने वहां पे एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है, चूंकि MS-DOS सिस्टम है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको चेंज किया तो जो आपकी डिस्क है, ये जिसके ऊपर OS इंस्टॉल है, वो भी खराब हो जाएगी। तो आप, हम वहां पे एक्सटेंडेड बनाते हैं, और एक्सटेंडेड बना के 1, 2, 3 जितने पार्टीशन बनाने होते हैं वो हम बना लेते हैं। चार पार्टीशन का ऑप्शन होता है, क्वेश्चन चार आते हैं पार्टीशन के। यहाँ पे स्क्रीन पे आपने देखा होगा, जब आप आए तो यहाँ पे पार्टीशन की LV और उसकी कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन थी, वो वही थी जो हमने पूरा जो है वो उसको हसन और 3-4 और स्टूडेंट थे उनको हमने जो एग्जाम जिन्होंने दिया है देना है उनको हमने यही बताया था कि आपने करना किस तरह से। बिल्कुल भी 100% एक्सटेंडेड बनाना है, क्योंकि तीन के बाद कोई और ऑप्शन होता नहीं है। होता क्या है, उसमें लिखा हुआ होता है, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि यार एक पार्टीशन बना दो 2 GB का। हमने
तीन ऑलरेडी बने हुए होते हैं, हम एक और आते हैं और चौथा 2 GB का पार्टीशन बना देते हैं। एमएस डॉस में तो 4 ही बन सकते हैं ना, ये काम हमने कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, खुश होगा कि हमने एक सवाल हमारा हो गया पार्टीशन का, मशीन को रिबूट करके भी देख लिया, ओके हो गया। अब जब जाएंगे अगले उस पे क्वेश्चन नंबर 15 पे 17 पे, जाहिर है आप तो ऊपर से देख रहे होते हैं ना सीक्वेंस में, जब क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि भाई दो और बनाओ पार्टीशन, एक का साइज बढ़ाओ और एक को कम करो। तो होता क्या है, फिर आपको ये पार्टीशन जो है वो रिमूव करके फिर दोबारा से एक्सटेंडेड बनाना पड़ता है। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। बहरहाल इसमें अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछें, फिर आप जो है वो थोड़ा सा मैं ब्रेक दे रहा हूँ आपको, आप इसकी, आपके पास एक एक्सरसाइज है जो कि आपके आपको करनी है, वो कौन सी है भाई? ये पेज नंबर 208 पे, पेज नंबर 208 पे और पेज नंबर 215 पे, 208 और 215, ये दो एक्सरसाइज हैं जो आपने करनी है, आप वो कर लें। तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगा लॉजिकल वॉल्यूम पे, आपको ये बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है लॉजिकल वॉल्यूम का। ये लॉजिकल वॉल्यूम वही है जो IBM के अंदर भी, IBM के AIX में भी यूज होता है और हर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। इसकी बात भी बाद में करूंगा, लेकिन दो तीन पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में बता दूं। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम में फिजिकल मशीन के भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल मशीन है लिनक्स की, फिजिकल मशीन, और आपको उसे अपग्रेड करना है और आप चाहते हैं कि यार फिजिकल मशीन को अपग्रेड करेंगे, अगर नहीं चला तो क्या होगा, तो ये LVM वो टेक्नोलॉजी है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप फिजिकल मशीन के, यानी कि पार्टीशन के, फिजिकल पार्टीशन के स्नैपशॉट ले लें। ये आपको ये अलाउ करती है, ये आपको ये अलाउ करती है कि जब दिल चाहे बगैर किसी डाउन टाइम के आप जब चाहे पार्टीशन को एक्सटेंड कर दें, जब चाहे पार्टीशन को रिड्यूस कर लें, ये आपको ये अलाउ करती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से लिनक्स रिकमेंड करता है कि आपने स्टैंडर्ड पार्टीशन नहीं बनाने। लिनक्स बैक नहीं करता है स्टैंडर्ड पार्टीशन को, लिनक्स कहता है कि आपके जो पार्टीशन होंगे, चाहे वो कोई भी पार्टीशन हो सिवाय बूट के, बूट का पार्टीशन लॉजिकल वॉल्यूम पे नहीं बन सकता, बाकी जितने भी पार्टीशन होते हैं लिनक्स बोलता है कि आप उनको LVM पे बनाओ। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने अपने फिजिकल सिस्टम में एक जगह पे, मेरा एक क्लाइंट है वहां पे, मैंने फिजिकल सिस्टम में 3.7 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगाई, और जब लगा रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 3.7 टेराबाइट 5 साल की जो है ना, उन्होंने प्लान करके लगाया था कि 5 साल में ये 3.7 टेराबाइट जो है वो डेटा इसमें आ जाएगा। तो हमने भी उसी हिसाब से पार्टीशन किया और डेटाबेस का पार्टीशन उसी तरह से बनाया, और बना के लोकल डिस्किट लगी हुई थी और हम आ गए। 5 साल का प्लान था, 2 साल में, क्योंकि हम लोग इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि 2 साल में जो है ना वो उनका पार्टीशन 92% पे पहुंच गया। उन्होंने कहा भाई ये 92% पहुंच गया, अब क्या करें, इस तो सिस्टम में जो हमने सिस्टम लिया है इसमें तो हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन भी नहीं है। तो हमने उनको कहा कि आप सैन से, स्टोरेज से एक पार्टीशन लें और हमें दे दें यहां पे, जो लोकल हार्ड डिस्क है 3.5 TB की, और जो सैन से आप पार्टीशन ले रहे हैं 2 TB का, फिलहाल अवेलेबल था 2 TB। हमने कहा इन दोनों को मर्ज कर देंगे और मर्ज करके 3.5 से 5.5 कर देंगे विदाउट एनी डाउन टाइम। लेकिन आपको तो मालूम है ना हमारे यहां होता क्या है, हमने बगैर डाउन टाइम के किया, उसके ऊपर डेटाबेस भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने हमें ईमेल की कि कितना डाउन टाइम चाहिए होगा, तो हमने उनको कहा कि हमें रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का डाउन टाइम चाहिए होगा। वो तो जाहिर है अगर हम नहीं कहते तो बोला भाई डेटाबेस करप्ट हो जाएगी, XYZ ये हो जाएगा, बात समझ आई है ये नहीं? तो ये टेक्नोलॉजी है LVM। तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको जो है वो